आज हम पाकिस्तान के सबसे खतरनाक इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, जो वर्ल्ड वाइड अपनी खतरनाक आदतों के लिए फेमस है। यस, आज हम बात करने हैं इमरान खान साहब की। देखते हैं कि उन पे क्या चीज़ बातें हो रही है, क्या क्या जोक्स बनाए जा रहे हैं, क्या क्या मीम्स बनाई जा रही है। तो देखते हैं प्यारा सा मिक्स में सब रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बस यही हालत है आजकल इमरान खान की भी। बंदा जहाँ भी जाता है अपने स्वागत के लिए खुद ही मालाएं लेकर जाता है, क्योंकि दूसरा तो कोई इसका स्वागत करने से रहा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि भाई इमरान खान सत्ता में आया तब्दीली का ये नारा देकर कि अब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। लेकिन हकीकत इसका तर्जुमा है कि अब आएगा इमरान, मारेगा गरीबों की गांड, जाते हुए और अब तो ये बंदा इतना ज्यादा पगला चुका है कि अपने आप को सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा ही घोषित कर चुका है। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। क्यों? गवर्नमेंट से बाहर होने के बाद सिर पर मिसाइल लेकर घूमेगा या पिछवाड़े में शेख रशीद वाले आधे पाव के बम, जो खतरनाक होगा? और भाई तुझे बताने की जरूरत ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम भी अब अच्छे से जान चुकी है कि जो बंदा सत्ता में रहते हुए खतरनाक हो, वो सत्ता में न होने के बाद कितना खतरनाक होगा। इमरान खान के लिए क्या बोलोगे? और जो बंदे कटोरा खान को अपने मुल्क की शान के बावजूद अब भी पसंद करते हैं। लेकिन मैं तो दिल में रखा हूँ इमरान खान को, अपने अपनी गांड में रख लिया, हमें उसे क्या काम है। मतलब गांड फटे तो फटे, लेकिन बकचोदी ना घटे, यही हिसाब है कटोरा खान का। कर्जे के बोझ तले जमीन में धसे हुए हैं, महंगाई ने गांड मार रखी है, मुल्क पूरा गिरवी रखा है, लेकिन बकचोदी आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो आपका पाकिस्तान। हाँ, इतना सस्ता कि लोग हवाई जहाज से हगने जा रहे, प्राइवेट कार से मूतने, पानी की जगह बिलायती शैंपेन पी रहे, खाना खाने जा रहे फाइव स्टार होटल में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान अचानक से इतना सस्ता कैसे हो गया, क्योंकि भाई इमरान खान पिछवाड़े से पोटी की जगह सोना निकाल रहा है और सुसु की जगह पेट्रोल। तो पाकिस्तान में महंगाई खत्म। भाई पाकिस्तान में कुछ सस्ता हो ना हो, लेकिन सबसे सस्ता हुआ है इसका नशा। जिस दिन ये सस्ते नशे करना छोड़ देगा, उस दिन मुल्क की हालत खुद ही सुधरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई अभी तो सच्चाई यही है। अल्लाह के वास्ते हुकूमत छोड़ दे यार, नया पाकिस्तान इससे बेहतर तो हमारा पुराना पाकिस्तान था। बहुत महंगा है बेटा, पाकिस्तान का इसने बीड़ा घर कर दिया। सब्जी महंगा, आटा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, हर चीज तो महंगा ही है। अब जब सब कुछ इतना महंगा ही है तो पाकिस्तान में सस्ता क्या है? तो भाई इसका जवाब भी इन्हीं लोगों से जानते हैं। नए पाकिस्तान में कौन सी चीज सस्ती हुई है? अगर सस्ती हुई है ना, तो आदमी की मौत हुई है। लेकिन इस सब के बाद भी कटोरा खान की बकचोदी खत्म नहीं होती। इसके अंदर हम कर्जे दे रहे हैं नौजवानों को। मतलब जो बंदा अब तक दूसरे देशों से कर्जा मांगता फिर रहा था, आज वो बंदा भी बात कर रहा है कर्जा देने की। मस्त जोक मार। भाई जहाँ अन्य देशों में नेता बात करते हैं नौजवानों को रोजगार देने की, वहीं यहाँ तो चुतियापा ही अलग है। यहाँ नेता बात करते हैं कर्जा देने की। मतलब कटोरा खान चाहता क्या है? इसकी तरह पूरी आवाम भी कर्जे तले दब जाए। और भाई कर्जा जितनी तो पूरे पाकिस्तान की महीने भर की इनकम नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा रुपया तो बंदों को कर्जा चुकाने में देना पड़ता है। पिछले एक साल में हर महीने हमें $2 अरब का कर्जा लेना पड़ रहा है। अब भाई पाकिस्तान की इस हालत के बावजूद ये कर्जा चुकाते कैसे हैं? तो भाई सिंपल है, कटोरा खान को एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और भाई ऐसा भी नहीं है कि ये बंदा सत्ता में आने के बाद ही भीख मांगना सीखा हो। बंदा बहुत ही पुराना भिखारी है। जब ये सत्ता में नहीं था तब भी ये दूसरे देशों से चंदा बटोरने जाता था, जिसका खुलासा खुद कटोरा खान ने किया है। नुसरत फतेह अली खान, तो मैं अपने साथ उनको फंड रेजिंग के लिए इंग्लैंड भी दौरों पे ले जाता था। बंदा इतने बड़े लेजेंड नुसरत फतेह अली खान को विदेश भी इसलिए ले जाता था ताकि फंड इकट्ठा कर सके, ना कि उनकी सिंगिंग की वजह से। आखिर कोई बंदा इतना मतलबी कैसे हो सकता है? लेकिन ये इकलौता किस्सा नहीं है। अगर इमरान खान का इतिहास कुरेदा जाए तो ऐसे और भी कई किस्से हैं जिनका सहारा लेकर कटोरा खान अक्सर अपनी आवाम को चूतिया बनाता रहता है। मैं जब स्कूल में था तो तब पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी से मुल्क वो आगे बढ़ा था। भाई इसकी बकचोदी के
बढ़ाना भाई, जब मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो रिजल्ट निकल कर आया कि इसके स्कूलिंग के टाइम साल रहा होगा 1965-1970 के आसपास, जिस समय की ये बात कर रहा है कि मुल्क बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और हकीकत दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। और ये बंदा यही नहीं रुका, अभी और सुनो। हमें अभी भी याद है कि हमारे स्कूलों के अंदर मलेशिया से शहजादे आया पढ़ते थे। अच्छा, मिडल ईस्ट से सारे लोग हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे। अच्छा। हमारी डिग्री सारी दुनिया में मानी जाती थी। भाई इस बंदे को मैं क्या बोलूं? साला इसकी बकचोदी सही नहीं जाती। एक तरफ बंदा बात कर रहा है कि पाकिस्तान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मलेशिया और मिडल ईस्ट के शहजादे पाकिस्तान पढ़ने आते थे, पाकिस्तानी डिग्री दुनिया में मानी जाती थी, और दूसरी तरफ यही झोपड़ी वाला खुद अपना देश छोड़कर लंदन पढ़ाई करने गया था। और भाई जब पाकिस्तानी डिग्री की इतनी वैल्यू ही थी तो लंदन के चरस फूकने गया था। भाई लंदन में लिए हुए उच्च कोटि के चरस का ही असर है जो कटोरा खान का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। कभी ये रुपए की जगह लोगों को एक्सपोर्ट करता है। हमें जब गवर्नमेंट मिली थी तो 24 अरब 22 करोड़ लोगों की एक्सपोर्ट थी, तो कभी एक साल में 12। मौसम बोलता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं। भाई ये बंदा साल की जगह एक महीने में भी 12 मौसम बोल दे तो भी कम है, क्योंकि ये तो वैसे भी अपने अलग ही मौसम में रहता है। भाई कटोरा खान से कोई पूछे कि पाकिस्तान में इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने क्या इजाद किया है, सलीम गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया है? अब इमरान खान कहेगा हमारे मुल्क की ये बड़ी बदकिस्मती है। अरे भाई तू बस कर, और नहीं झेल सकता तुझको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले। इसे कहते हैं खतरनाक इंसान, सत्ता में रहते हुए भी खतरनाक। वो कह रहा है कि सत्ता से जब निकल जाए तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा पाकिस्तान की अवाम में ले। अब फैक्चुअली बात है कि पाकिस्तान की अवाम बहुत दुखी है, महंगाई के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ बेरोजगारी, रोजगार ए टू जेड जगह है, और सब कुछ बहुत खफा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। और इसलिए ये बात हो रही है कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो ले आओ, क्या फिर ये दूसरे देशों से कर्जा लेकर वो भी कर्जा, कैसे कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जा लिया जाता है। तो ये है पाकिस्तान की अजीब सी फाइनेंशियल पोजीशन, ये जाने क्या करने वाले हैं। तो आपको आज के मिक्स मैसेज प्रोडक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।